भाजपा कमबैक कर पाएगी दोबारा से? जी बिल्कुल, और बिल्कुल करेगी। कर पाएगी नहीं, भाजपा ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आगे भविष्य के निर्माण का कार्य करती है, भविष्य के जीवंत का कार्य करती है। रही बात मेरी कि अगर मैं कुछ बनती हूँ तो मैं क्या सौगात अपने गुरुग्राम को या अपने देश को दूँगी। लेकिन मेरा मन जो कहता है कि देश में उन्नति तभी आएगी अगर प्रलोभन रोक दिया जाएगा। मैं तो अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि लोग इतना लड़ते क्यों हैं कि मुझे MLA का टिकट चाहिए, मुझे मेयर का टिकट चाहिए, मुझे इसका टिकट चाहिए, मुझे उसका टिकट चाहिए। सरकार ने इतना अच्छा फैसला लिया है, मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि सरकार ने जैसे हमारे देश के युवाओं के लिए इस तरह की योजना चलाई है। गुड़गांव मेयर चुनाव की सुगबुगाहट चालू हो चुकी है और ऐसे में आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ वैशाली तोमर जी स्थित हैं, जो गडकरी फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं हरियाणा की। मैम, सबसे पहले सिटी न्यूज़ 24 को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, और मैं सिटी न्यूज़ 24 का धन्यवाद करती हूँ। सीधी बात करते हैं राजनीति की। अब गुड़गांव में मेयर जो चुनाव होने वाला है उसकी सुगबुगाहट चालू होने लग गई है, तो क्या लगता है इस बार जो गुड़गांव में भाजपा कमबैक कर पाएगी दोबारा से? जी बिल्कुल, और बिल्कुल करेगी। कर पाएगी नहीं, भाजपा ही करेगी। क्या किस तरीके से लगता है कि भाजपा इस बार सरकार बनाएगी? आपका मुकाबला किस पार्टी से होगा? क्या क्या कठिनाई होने वाली है चुनाव में? जी मैं ये जो बातें कह रही हूँ कि भाजपा सरकार बनाएगी, क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसका किसी भी पार्टी अन्य पार्टियों से कोई भी मुकाबला नहीं है। क्योंकि भाजपा जो है वो जन जन के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, जो भी समस्याएं जीवन की हैं वो सबको लेकर साथ चल रही है और प्रत्येक नागरिक के भविष्य को सुरक्षित करने पर काम कर रही है और ज़मीनी तौर पर कार्य कर रही है। तो मुकाबले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो अन्य पार्टी हैं वो अपने अपने स्वहित के लिए कार्य करती हैं। इसीलिए आज जनता का जो विश्वास है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारत की जो जनता है उसके विकास के लिए कार्य कर रही है, उसकी उन्नति के लिए कार्य कर रही है, उसके उत्थान के लिए कार्य कर रही है, उसके कल्याण के लिए कार्य कर रही है। पहले आपका मुकाबला कांग्रेस से होता था, लेकिन इस बार दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने भी हुंकार भर दी है, इस बार वो भी हरियाणा की राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपका मुकाबला किस पार्टी से होगा? जी कांग्रेस, और बात केजरीवाल जी की है, बात अगर कांग्रेस की है या अन्य पार्टियों की है, सबको, जो लोकतांत्रिक हमारा देश है और पार्टी को नहीं प्रत्येक व्यक्ति को भी अधिकार है कि वो अपने अधिकार के वश जनता में अगर उसका सेवा करने का भाव है तो वो आगे आए, अपने आप को प्रूव करे और कार्य करे। लेकिन ये बात और है कि जनता के लिए सही मायने में कार्य कौन करता है और बातें कौन करता है, कौन सिर्फ प्रचार प्रसार तक सीमित रहता है, कौन जनता के हित के लिए कार्य करता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्य कर रही है, इसीलिए आज आप देखिए कि 16 राज्यों में अपनी सरकार बनाई हुई है और अन्य पार्टियों का कहीं नामो निशान नहीं दिखता है। गुड़गांव में भाजपा की मेयर हैं मधु आजाद, लेकिन एक जो समस्या आ रही है जल निकासी की, इस पर क्या कोई काम नहीं कर पाए? 5 साल में लोग कह रहे हैं कि कुछ भी विकास नहीं हुआ, पानी की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, नालियों की सफाई की व्यवस्था की समस्या है। तो क्या लगता है, क्या मेयर मैम कुछ ध्यान नहीं दे पाई गुड़गांव नगर निगम में? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी मेयर हैं मधु आजाद जी, बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि जनसंख्या वृद्धि इतनी हो चुकी है, अगर एक नागरिक पे सोचा जाए कि सारी चीज़ों की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से और बहुत अच्छे से हो जाएगी तो ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर हम अपना नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं तो उनकी जो सोच है, स्वच्छता अभियान जो उनका नारा है और जो वो जिस पर वो कार्य कर रहे हैं, तो स्वच्छता जो है वो स्वच्छता ये ही नहीं है कि वो शरीर की स्वच्छता है, वो नालियों की स्वच्छता है, वो पर्यावरण की स्वच्छता है, वो चरित्र की स्वच्छता है, वो भ्रष्टाचार की स्वच्छता है, वो हर तरह की स्वच्छता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी समझे, जैसे आज पॉलिथीन पर अगर रोक लगाई जाए, क्योंकि नालियों की जो निकासी, जो पानी की जो समस्या आती है वो पॉलिथीन से आती है, तो पॉलिथीन पर काम चल रही है, अन्य कई संस्थाएं भी हैं जो सामने आकर कार्य कर रही हैं, अपना योगदान दे रही हैं।
लेकिन प्रत्येक नागरिक को जब जिम्मेदारी से, अगर प्रत्येक नागरिक जिम्मेदारी लेगा, यही नहीं सोचेगा कि सिर्फ मधु आजाद जी मेयर हैं तो वही इस समस्या का ध्यान देंगी, वो तो काम कर ही रही हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को भी, प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता चाहिए, पानी की समस्याओं से निजात चाहिए, पर्यावरण सुरक्षित चाहिए, तो हर किसी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। गुड़गांव में सफाई व्यवस्था को लेकर आपका क्या मत है? सफाई व्यवस्था कुछ चरमरा गई है गुड़गांव में, अगर देखा जाए तो सफाई व्यवस्था से लोग परेशान हैं। जी ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में जो सफाई की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है, ये नहीं है। सफाई की व्यवस्था नहीं चरमरा गई है, दरअसल जो जनसंख्या वृद्धि है जो दिन पर दिन इतनी तेज़ी से फैल रही है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि उसके चलते हर चीज़ को काबू करना, काम करना, उस पर ध्यान देना और उसको अपने परिवेश में, उसके परिवेश में हम सबको ढलना और उन सबको अपने समावेश करने के लिए बहुत सारे कार्य करने की आवश्यकता है, बहुत सारे रोक लगाने की ज़रूरत है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा और बहुत कुछ अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर सारी चीज़ें हो पाएंगी। और उसके लिए हमारा केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है दूरदर्शिता वाली, वो सब निकल कर आ रही है और धीरे धीरे उस पर कार्य भी हो रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, पर्यावरण से लेकर स्वच्छता अभियान से लेकर एनजीओ से लेकर सेवा संस्थान से लेकर हर तरह के अलग अलग प्रकोष्ठ बनाकर संस्कृति, सभ्यता, हर चीज़ को आगे बढ़ाकर कार्य किया जा रहा है, जहाँ एक तरफ युवाओं के चरित्र के निर्माण से लेकर उनको मजबूत, शारीरिक रूप से मजबूत बनाकर, मानसिक रूप से मजबूत बनाकर कार्य किए जा रहे हैं। गुड़गांव में अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम के सामने एक बड़ी विकट समस्या है। अब दिन प्रतिदिन अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, तोड़फोड़ भी की जा रही है, तो किस प्रकार से अवैध कब्जों को लेकर किस प्रकार से क्या कदम उठेगा? अवैध कब्जों को लेकर आपने सही कहा बिल्कुल, कि अगर अवैध कब्जे इस तरह से होते रहे और सड़कों पर इस तरह से अधिकरण होता रहा तो लोग अपने घर ही नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चे स्कूल से घर नहीं आ पाएंगे, अगले दिन बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और जो लोग सुबह से लेकर किसी कार्य को लेकर अपने घर से बाहर निकले हैं वो शाम तक अपने घर नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि इतने वाहन इतने हो गए हैं, जनसंख्या इतनी हो गई है और इस तरह से सड़कों पर इस तरह से अधिक्रमण हो गया है कि सड़कों पर जाम और इतनी समस्याएँ दिन भर हो गई हैं। जब सड़कों पर गाड़ी खड़ी रहती है तो गाड़ियां चलती हैं तो प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण होता है जिससे बीमारियां आती हैं तो जीवन का क्षीण होता है, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि जिन पे सरकार तो कार्य कर रही है, केंद्र सरकार कार्य कर रहा है, राज्य सरकार कार्य कर रहे हैं, विधायक, सांसद, पार्षद, मेयर, जिलाध्यक्ष सब लगे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबको, सबसे पहले तो सबको ये सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आगे भविष्य के निर्माण का कार्य करती है, भविष्य के जीवंत का कार्य करती है, भविष्य के कल्याण का कार्य करती है, भविष्य के उत्थान का कार्य करती है, जो वर्तमान को सुरक्षित करने के साथ साथ भविष्य के सुरक्षित को जोर दे रही है। गुड़गांव में अवैध कब्जे लगातार हो रहे हैं, क्या ये लोग कहां से आए हैं, इनकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई नहीं हुई, इस पर किस प्रकार से क्या कदम उठाया जाएगा? क्या नगर निगम के पास पूरा डेटा है कि जो लोग बाहर से आए हैं वो कहां से रहने वाले हैं, क्या है उनका, क्या बैकग्राउंड है, पहले कहां से थे? जी बिल्कुल, अब सारी चीज़ें आप देखिए कि जिस तरह से मोदी जी ने और हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जिस तरह से जोर दे रहे हैं सारी चीज़ों को आधार से लिंक करने का। जब व्यक्ति आधार से लिंक होगा, जब व्यक्ति के ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होंगे, हर चीज़ का वेरिफिकेशन होगा, तो इस तरह के जो चीज़ें हो रही हैं, जो अनजान लोग, अज्ञात लोग इस तरह से समाज जो घुसपैठियाँ हो रहे हैं उन पर कब्जा हो पाए, उन पर नियंत्रण हो पाएगा, उन पे नियंत्रण हो और देश सुरक्षित हो, उसी लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। गुड़गांव में दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, मामले बढ़ते जा रहे हैं, महिलाएं और पुरुष बराबरी की संख्या में गाड़ी ट्रैवल करते हैं, तो कैसे वेरीफाई किया जाए जो महिला या पुरुष हैं, वो सारे लाइसेंसधारी हैं, सारे लाइसेंस धारक हैं जो गाड़ी चलाते हैं, तो किस प्रकार से क्या किया जाएगा? जब सारी चीज़ें आधार से लिंक होंगी और वेरिफिकेशन होगी तो अपने आप ही सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आधार से लिंक होते ही सब चीज़ों का ब्यौरा सामने आ जाएगा और अवैध किसी चीज़ का कार्य नहीं हो पाएगा। अगर आप मेयर बनती हैं गुड़गांव के अंदर तो क्या कुछ बड़ी सौगात देने वाली हैं गुड़गांव को? सबसे पहले बात तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि देश सुरक्षित, सभ्य, शिक्षित और स्वस्थ और सुंदर हो। रही बात मेरी,
कि अगर मैं कुछ बनती हूँ तो मैं क्या सौगात अपने गुरुग्राम को या अपने देश को दूंगी। मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रही हूँ कि बनने मेरा महत्व बनने का नहीं है कि मैं कुछ बनूँ तब मैं देश के लिए कुछ करूँगी या तब मैं कुछ बड़ी सौगातें दूंगी, तब मैं कुछ अच्छा सोचूंगी। मेरा मानना यह है कि मैं कुछ अच्छा कर दूँ तो मैं स्वतः ही कुछ बन जाऊँगी। और मेरा जोर जो रहता है हमेशा, मेरा मन जो रहता है हमेशा, या मेरा कार्य जो रहता है हमेशा, और तो सब कहते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य और रोज़गार की व्यवस्था ये सब सुनिश्चित होती है, लेकिन मेरा मन जो कहता है कि देश में उन्नति तभी आएगी अगर प्रलोभन रोक दिया जाएगा। कोई महिला पुरुष को प्रलोभन दे के उन्नति के रास्ते पर ना चढ़े, कोई पुरुष महिला को प्रलोभन देकर उन्नति का रास्ता ना अपनाने की कोशिश करे, कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्राइवेट व्यक्ति से किसी सामान्य व्यक्ति को प्रलोभन दे के उसका कार्य ना करे, कोई सामान्य व्यक्ति कोई गरीब व्यक्ति किसी अफसर को प्रलोभन देकर अपना कार्य ना करवाए। जब ये प्रलोभन बंद हो जाएगा और ये हम खुद से, एक एक व्यक्ति खुद से सुनिश्चित करेगा कि बदले की जो भावना, जो ये प्रलोभन की जो भावना है, जब ये खत्म हो जाएगी तो निश्चित ही कार्य सही दिशा से होंगे, सही सोच से होंगे, सही कर्मों से होंगे। और जिसकी सोच सही है उसके कर्म अपने आप सही हो जाते हैं, कार्य अपने आप सही हो जाते हैं, और सही रास्तों से, सही सोच से ही सही चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार आपको मौका देगी? भारतीय जनता पार्टी ने तो मौका ही दिया हुआ है। अगर आज हम, मैं तो अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि लोग इतना लड़ते क्यों हैं कि मुझे MLA का टिकट चाहिए, मुझे मेयर का टिकट चाहिए, मुझे इसका टिकट चाहिए, मुझे उसका टिकट चाहिए। मैं तो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज जो मोदी जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, या प्रत्येक राज्यों के जो मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्येक सरकारी आला अधिकारी चुने गए हैं, और जो भी वो कानून और नियम बना रहे हैं और देश की उन्नति के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, उसकी मैं भी भागीदारी हूं। अगर आज मोदी जी कुछ नियम बनाते हैं या देश की उन्नति के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो मैं भी हूं, वो मैं भी कर रही हूं। वो मोदी जी ने नहीं किया है अकेले, उसमें मेरी भी सुनिश्चितता है, उसमें मेरी भी भागीदारी है, क्योंकि मैं भी उस पथ पर, उस राष्ट्र हित पर उनके साथ चल रही हूं। तो मौका तो उन्होंने मुझे दिया है। आज अगर मैं इतना, मेरा अगर एक मोदी जी का एक भी कंट्रीब्यूशन, एक भी मेरा इतना सा भी कंट्रीब्यूशन राष्ट्र के हित में जा रहा है, तो ये उन्होंने मुझे मौका ही तो दिया हुआ है। मैं तो उनकी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं पार्टी के लिए कुछ कार्य कर सकूं, संगठन के लिए कुछ कार्य कर सकूं। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूं। वो मुझे मौका क्या देंगे, बल्कि मैं इस मौके की तलाश में हूं। मैं इस ये मौका अपने आप से, अपने खुद से चाहती हूँ कि काश ईश्वर मुझे वो मौका दे, ईश्वर मुझे वो सामर्थ्य दे, ईश्वर मुझे वो शक्ति दे, ईश्वर मुझे वो विद्या, वो ज्ञान, वो बुद्धि दे कि मैं इस राष्ट्र की उन्नति, प्रगति, उत्थान, इसके कल्याण में अपने आप को समर्पित कर सकूं। मैं वो मौका खुद से चाहती हूं। लास्ट सवाल मैम, कुछ पार्षदों और जो चीफ इंजीनियर्स हैं उनके बाद मतभेद चल रहा है, क्या मेयर मैम पार्षदों और जो चीफ इंजीनियर हैं उनको साथ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रही हैं, क्या कारण है जो पार्षद और चीफ इंजीनियर्स के बीच लगातार आए दिन झगड़ा होता रहता है? बस ये तो देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी परवरिश होती है, सबका अपना कार्य करने का तरीका होता है। और ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक व्यक्ति किसी और ढंग से कार्य करता है तो दूसरा भी व्यक्ति उसी ढंग से कार्य करे। और हम सबको हम संतोषजनक आंसर दे सकें, कार्य कर सकें, साथ लेके चल सकें, ये भी ज़रूरी नहीं होता। लेकिन मेरा मानना बस यही है और मेरा अनुरोध भी यही है कि प्रत्येक नागरिक को सही से कार्य करें। और सब कुछ जो है, अगर इस राष्ट्र के हित के लिए सोच कर करें, तो जैसे कहते हैं कि सब कुछ अगर शासन, प्रशासन और सरकार पे छोड़ दिया जाएगा तो एक सभ्य समाज की संरचना नहीं हो पाएगी। अगर हमें एक सभ्य समाज चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए, तो सब कुछ सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। मैं कहती हूँ, आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप बना लीजिए, इतने बड़े बड़े घर बना लीजिए, अवैध कब्जे करके आप पैसा धन इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपनी संस्कृति को सहोज कर नहीं रख पाए, अपने बच्चों को अच्छा चरित्रवान, अच्छा संस्कृति, अपने देश का इतिहास, अपने धर्म का ज्ञान, अपने राष्ट्र का ज्ञान, अपने कर्मों का ध्यान नहीं बता पाए, तो जिस तरह से, और जो हमारा ये भारत था, हमारा ये हिंदुस्तान था, इसको सिर्फ भारत, एक हिंदुस्तान बचा हुआ है, तो ये भी
खत्म होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि जिस देश की संस्कृति खत्म हो जाती है उसका अंत होने में समय नहीं लगता। अग्निवीर जो योजना चालू की है सरकार ने, उसका प्रारंभ होने से पहले ही विरोध होना चालू हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष ने लगातार मुद्दा बनाया हुआ है इसको। मैं, सरकार ने इतना अच्छा फैसला लिया है, मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि सरकार ने जैसे हमारे देश के युवाओं के लिए इस तरह की योजना चलाई है, मैं चाहती हूँ, माननीय मोदी जी से मैं विनती करना चाहती हूँ कि हमारे देश की बेटियों के लिए भी एक इस तरह की योजना बनाई जाए, क्योंकि युवाओं में तो विरोध आने से पहले विरोध है, और वो उनका विरोध नहीं है, वो युवाओं का विरोध नहीं है, वो उन पार्टियों का विरोध है जो देश का हित नहीं चाहती, जो देश का कल्याण नहीं चाहती, जो रोजगारों, जो युवा हैं, युवा को आप उल्टा कर दीजिए तो वायु बन जाता है। जिस तरह से वायु की ये गति ये फैलेगी, उस तरह से राष्ट्रीय हित का निर्माण होगा जो मोदी जी चाहते हैं, लेकिन हमारी अन्य पार्टी नहीं चाहती कि हमारे देश का जो युवा इधर उधर बेरोजगार घूम रहा है, वो सांस्कृतिक रूप से, वो सामाजिक रूप से, वो राष्ट्रीय के रूप से, वो पेट्रोटिकली, वो स्पिरिचुअली, वो मेंटली, वो फिजिकली स्ट्रोंग हो पाए। बस इतना लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आज ये उदयपुर की घटना हुई है और मोदी जी ने ये योजना पहले चलाई हुई होती, तो शायद हर दर्जी अग्निवीर होता, हर सफाई कर्मी अग्निवीर होता, हर सड़क पर बेचने वाला सब्जी वाला अग्निवीर होता, हर कोई अपनी सुरक्षा करने के लिए, जब अपनी सुरक्षा हम नहीं कर सकते तो हम अपने परिवार वालों की, अपने देश की सुरक्षा क्या करेंगे। अग्निवीरों को पेंशन की जो योजना है वो भी नहीं है, और जो राजनेता होते हैं, एमपी होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, एमएलए जो होते हैं, उनको पेंशन दी जाती है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि यह एमपी मिनिस्टरों की भी पेंशन खत्म कर देनी चाहिए? देखिए, ये एक केंद्र सरकार का फैसला है और मेरा ज्ञान और मेरा अनुभव नहीं कहता कि मैं इस पर बात करूँ, लेकिन बस मैं इतनी बात करना चाहूँगी कि सब जिस तरह से सब कार्य करते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग मेरे इस जवाब से संतुष्ट भी ना हो पाएं, लेकिन जिस तरह से लोग अपना पढ़ाई करते हैं और वो नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद उनको एक परिवार को पालने के लिए एक वेतन मिलता है, इस तरह से जो राजनीति के फील्ड में आता है, जो समाज के फील्ड में आता है, जो सेवा करने के फील्ड में आता है, वो भी अपना पूरा जीवन देता है, उसके पीछे भी उसके बच्चे और उसके घर वाले होते हैं, उसको भी 5 साल अपने आप को देने के लिए मिलते हैं जिसमें वो जनता की सेवा कर सके, क्या उसका अधिकार नहीं है? क्या जो बच्चे उससे बंधे हैं उनका कोई जीवन नहीं है? क्या जो उनकी बीवी, उनका परिवार, उनकी बीमारी, उनके जो सगे संबंधी उनके साथ हैं, क्या उनका कोई भी अधिकार नहीं है? उनको नहीं चाहिए कि उनके पिता, उनकी माता जो समाज में अपना जीवन दे रही हैं, जो समाज को अपना सब कुछ दे रहे हैं, तो बदले में उनका घर कैसे चलेगा, आप बताइए? तो उनको भी तो कुछ चाहिए ना बदले में। क्या कोई खास संदेश गुड़गांव वासियों को? गुड़गांव वासियों को मेरा यही संदेश है कि जिस तरह से सावन का महीना आ रहा है और अच्छी फुहार के साथ, अच्छे खुशनुमा मौसम के साथ सब स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो, सब राष्ट्र हित के लिए सोचें और सब राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, आपने जो अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। ये थी वैशाली तोमर, जो नितिन गडकरी फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरियाणा से मेयर टिकट के प्रबल दावेदार भी मानी जा रही हैं। देखते रहिए, और सिटी न्यूज़ 24 कैमरामैन गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार, गुरुग्राम।